एवरीवन, आई होप कि वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस तुमको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हेलो अनुज, अगर क्लास वॉइस प्रॉपर आ रही है तो जल्दी से कमेंट कर दो ताकि पता चल जाए कि वॉइस प्रॉपर आ रही है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई होप कि आपका प्री का पेपर अच्छा हुआ है, इसीलिए कंप्यूटर की मेंस की क्लास अटेंड कर रहे हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स मेंस के लिए भी। सो मैं बस यही चाहूँगा कि सबका पेपर अच्छा निकले, प्री दो, मेंस दो और जल्दी से क्रैक करके ज्वाइनिंग ले लो। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंप्यूटर, अभी तक मैंने कंप्यूटर मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर नहीं डिस्कस किया है, बट आज कंप्यूटर डिस्कस कर रहा हूँ। एंड हाँ, इसमें पहले इंट्रोडक्शंस है एंड इंट्रोडक्शंस के बाद में आपको क्विज भी मिलेंगी। ठीक है, इंट्रोडक्शंस के साथ साथ क्विज भी मिलेंगे, तो क्विज बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो मतलब ठीक है, आपने पढ़ लिया, अब पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को एकदम बेसिक से, फंडामेंटल से, एकदम बेसिक फंडामेंटल से। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो, प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शंस के साथ। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कंप्यूटर? देखिए, कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि परफॉर्म्स करती है कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। देखिए, एक चीज़ को समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी भाई सिंपल सी बात है, बिना इलेक्ट्रिसिटी की ये नहीं चलेगी। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? पावर सप्लाई होती है, या फिर जीरो और वन होता है, या फिर पॉजिटिव और निगेटिव होता है, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म क्या करता है? कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, एंड ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस यानी प्लस माइनस डिवीजन ये सब कुछ करता है, और ऑपरेशंस सारे के सारे वो काम करता है जिस टाइप की उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं बाय द सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर यानी ऐसे प्रोग्राम्स, और हार्डवेयर यानी हार्डवेयर डिवाइसेस, इनके द्वारा जो भी दिया जाता है। ठीक है, ये हम हमारा कहलाता है कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक कहलाती है कंप्यूटर की स्पीड। क्या होती है स्पीड? देखिए, कंप्यूटर क्या करता है, मिलियंस ऑफ प्रोसेस को, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर, विद इन अ सेकंड इम्प्लीमेंट कर देता है विद अ हाई स्पीड। तो ये कंप्यूटर की खासियत है। इसके साथ ही साथ ये क्या करता है, सारा का सारा काम एक्यूरेसी से करता है, यानी विदाउट एनी एरर्स, कोई भी एरर्स कंप्यूटर में नहीं आती हैं। थर्ड है डिजिलेंस, डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है? ये हाईली रिलायबल है। अगर इसने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करके आंसर दिया है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो कि वो कह रहा है, जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। इमोशंस नहीं होते हैं, पर स्पीड एंड एक्यूरेसी इसमें गजब की होती है। नेक्स्ट, वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब ये वेरियस ऑफ काम परफॉर्म कर सकता है सेम टाइम पे। जरूरी नहीं कि एक टाइम पे एक ही काम करे। जैसे इस टाइम पे आप जैसे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल इज़ जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। आप सेम टाइम पे उसमें गाने भी सुन रहे हैं, नेट भी चला रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, सब कुछ। दैट इज़ कॉल्ड वर्सटैलिटी। एंड स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है कंप्यूटर। ठीक है, ये काम होते हैं, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर की। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री देखिए क्या कहती है कंप्यूटर की। सबसे पहले आती है अबेकस। अबेकस क्या थी? पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस या पहली काउंटिंग डिवाइस थी, डेवलप बाय चाइना क्लेम करता है। हमें नहीं लगता वो क्लेम कर सकता है क्योंकि वो 400 BC की बात करता है, पर भारत में उससे पहले भी महाभारत काल और बहुत सारे काल में हमारे पास में काउंटिंग होती थी। जैसे दुर्योधन के 100 भाई थे, तो थे ना, तो 100 कहाँ से आया? एक काउंटिंग डिवाइस है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अबेकस की। तो ये होता है अबेकस, आपने देखा होगा, जो स्लेट के पैरेलल लगा रहता है। ठीक है, स्लेट के पैरेलल बिट्स होती हैं, रॉड्स में पड़ी होती हैं, बच्चों को काउंटिंग करने के लिए सिखाया जाता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से काउंटिंग सिखाई जाती है। ये हमारा कहलाता है अबेकस। अगर क्वेश्चन बने पहली काउंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो वो आंसर होगा आपका अबेकस। सेकेंड इज नेपियर बोन, जो बनी थी डिवाइस, वो क्या था? सेट ऑफ रॉड्स ऑफ बोन्स थी। एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, स्कॉटलैंड के थे जानने वाले, उनको थे जॉन नेपियर, उन्होंने डेवलप किया था नेपियर्स बोन, जो कि एक पैरामीटर था, कुछ काउंटिंग नोट करके रख दी, घुमा घुमा के हम चेक कर सकते थे कि कितने कैलकुलेशंस हो रही हैं।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पेस्कलीन आया था। पेस्कलीन पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन भी कर सकती थी, ठीक है, वो भी होल नंबर्स का। ये डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने, ठीक है, ये किसने डेवलप किया था, ब्लेज पास्कल। इसके बाद आपके आया पंच कार्ड सिस्टम जो कि अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे हरमन हॉलरेंट, उन्होंने डेवलप किया था। ये है आपकी पंच कार्ड मशीन पहली, ठीक है। पंच कार्ड क्या होता है आपका, जैसे आप देखते हो मॉल में जल्दी जाते हैं अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, कॉलेजेस में अटेंडेंस लगाते हैं, ऐसी पंच कार्ड मशीन क्या होती है, उसमें पंच कर देती है चीज़ों को, ठीक है, या पंचिंग के जैसे आप टिकट लेते हो तो टिकट पर पंचिंग कर दी जाती है आपकी कि ये टिकट आपका यूज़ हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ल्स बैबेज हु नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बैबेज कौन कहलाते हैं आपके, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये इन्होंने क्या डेवलप किया था तो बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था एक डिफरेंस इंजन जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, यानी एल्जेब्रा के जो एक्सप्रेशंस थे वो मैथमेटिकल टास्क थे उनको एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकता था, ठीक है। इन्होंने उसको बाद में मॉडिफाई करके नाम क्या दिया था, एनालिटिकल इंजन। यानी उन्होंने दो चीज़ें बनाई थी, ये है जो उनका मॉडल जो बना हुआ रखा है ओरिजिनल उनके टाइम का, उन्होंने जो बनाया था ये था आपका डिफरेंशियल इंजन, ठीक है, और ये है आपका एनालिटिकल इंजन, ये आपका डिफरेंशियल इंजन, ये आपका एनालिटिकल इंजन। इन दोनों की वजह से ही चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। इन दोनों की वजह से चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस डेवलप बाय द हॉवर्ड हेटवे एटकिंस हु यूज टू पंच कार्ड एंड बैबेज स्टेटमेंट टू डेवलप मार्क वन। ये है IBM के द्वारा डेवलप किया गया पहली पंच कार्ड मशीन मार्क वन। ये देखिए डिवाइस का साइज देखिए, ये पूरी एक मशीन थी जो कि ऑटोमेटेड वे में पंच कार्ड करती थी, ठीक है, एक कंपनी के इंटीग्रेट पे लगी, सॉरी ये यूनिवर्सिटी में लगी थी पंच कार्ड मशीन डेवलप बाय IBM। IBM ने डेवलप किया था किसे, मार्क वन को, ठीक है। क्वेश्चन आता है पहली पंच कार्ड मशीन कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या है, मार्क वन डेवलप बाय IBM। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक पहली इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनी थी आपकी, पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर द जनरल पर्पस कौन सी है आपकी, ENIAC। ENIAC डेवलप किसने की थी, प्रॉस्पर एकर्ट एंड जॉन मूचली। ये आप देखिए डिवाइस का साइज देखिए, मतलब पूरा का पूरा हॉल, एक कमरा, एक घर, एक हॉल के बराबर एक कंप्यूटर बन रहा है, जो आज की डेट में हम जैसे ये साइज देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स या फिर हम मेन फ्रेम्स कंप्यूटर के, पर यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी जो पंच कार्ड मशीन आज की डेट में हम लोग बॉक्स में डिब्बी में लगा देते हैं, वो उतनी बड़ी डिवाइस बनाने में एक पूरा का पूरा घर लग गया था, उससे कहते हैं पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है ENIAC। ध्यान रखिएगा नाम, बहुत क्वेश्चन बनता है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर क्या है आपका, ENIAC। ENIAC के बाद आपका बना था ADVAC। ADVAC क्या था, ENIAC के ही बाद बना था, ठीक है। ये क्या था, इसमें बाइनरी कंप्यूट नंबर्स का यूज़ किया जाता था अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करने के लिए और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज भी होती थी। यानी धीरे धीरे हम क्या करने लगे, हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी नीचे से ऊपर बढ़ने लगी है, ठीक है। ये इनिशियल टाइम के टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, फिर हमें भी हम बात करेंगे जनरेशंस की, कौन कौन सी जनरेशंस में कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज आई थी, देन हम बात करेंगे इनके सम्स की, क्वेश्चंस की, क्विजेस की, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये था पहला कैलकुलेटर जिसे हम कहते हैं ADSEC, फर्स्ट प्रैक्टिकल जनरल पर्पस स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड बाय द वॉन न्यूमैन, ठीक है, वॉन न्यूमैन के प्रिंसिपल पे बना था। ये कहलाता है आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जिसका नाम है ADSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटेड कैलकुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर UNIVAC, फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था। अभी तक का भी जितने भी कंप्यूटर थे वो कमर्शियली नहीं थे, कमर्शियल का मतलब ये है कि आप उन्हें परचेज नहीं कर सकते हो, वो एक ही सिंगल पीस बने हैं। यहाँ पे ये भी सिंगल पीस था पर आप इसे परचेज कर सकते थे अपने पर्सनल वर्क के लिए, जिसको डेवलप किया था अगेन एकर्ट मूचली ने, ठीक है, एकर्ट एंड मूचली, ठीक है, जॉन एकर्ट एंड जॉन मूचली ने मिलकर एकर्ट एंड मूचली ने डेवलप किया था। ये रिप्रेजेंट करता है बोथ ऑफ बर्थ ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी इसी से आज की डेट की जितनी भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बनता है पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो आंसर क्या आएगा आपका, ENIAC, ठीक है, ENIAC। अगर पूछा जाए पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी है, तो आंसर आएगा ENIAC, ठीक है। ये आंसर्स ध्यान रखने हैं, ये क्विजेस के नाम
में काम आएंगे। अब हम बात करेंगे जनरेशंस की, कंप्यूटर की जनरेशंस क्या होती है। देखिए सबसे पहली जनरेशन जो थी उसकी जो सबसे मेन टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी वैक्यूम ट्यूब। बस इतना याद रखना जरूरी है, ईयर डेट को याद नहीं करना है। 1946 से 59 के बीच में आते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनके ईयर्स को याद नहीं करना है आपको, मेन क्या याद रखना है इनकी टेक्नोलॉजी। तो इनकी टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब, जो कि एक कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करने में मिली सेकेंड्स लेते थे। ठीक है, इनके एग्जांपल कौन से हैं, एडसैक, एडवैग, यूनिवैग, आईबीएम 701, आईबीएम 650, ये सारी डिवाइसेस हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल। ठीक है, हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन ऐसे में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, एक छोटी छोटी चिप होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, वैक्यूम ट्यूब एक कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर डेटा परफॉर्म किया जाता है। अगर आपने वो LED CRT वाला TV देखा है तो TV के अंदर आपने देखा होगा, अगर हम TV की बात कर ले कुछ, अगर TV देखा है आपने तो TV के अंदर ऐसे कांच की ट्यूब बनी होती है, यहाँ पे आपके एक पिक्चर ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब के बगल में लास्ट में यहाँ पे एक वैक्यूम ट्यूब बनी होती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं इतने छोटे से मोटे इससे मेरे साइज के, तो उससे क्या हो गया, बहुत सारा साइज छोटा हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक कोर थे, मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होने लगे थे इस स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक टेप की अगर बात कर लीजिए, यानी एक ऐसा टेप जिस पे मैग्नेटिक पॉलिश होगी, तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो जो कैसेट्स आती थी, जो ऑडियो कैसेट आती थी आपकी, ऑडियो कैसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक टेप। क्वेश्चन बनते हैं ऑडियो टेप किसका एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक टेप का। ठीक है, या फिर आपके जो ग्रामोफोन्स बनते थे वो भी मैग्नेटिक टेप के, मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं। थर्ड हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी IC। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होने लग गया था, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, एल्गो 68, बेसिक लैंग्वेज जो हम लोग ने भी, आप लोग ने पढ़ी भी होगी, ये सारी एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेजेस थी और इस जनरेशन में यूज़ होते थे। किस में, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल्स थे मेन वो थे IBM 363 एंड हनीवेल 6000 सीरीज। ठीक है, ये आपका एप्पल का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन यानी जो हम आज की डेट में हम जो घरों पे थोड़े दिन पहले तक देखते थे उन सब की बात करते हैं, तो उनकी जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो थी VLSI। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है VLSI। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है प्राइमरी मेमोरी के लिए। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है प्राइमरी मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक डिस्क यूज़ होने लगी थी। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमारी मैग्नेटिक डिस्क होती है फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या होती है, एक प्लास्टिक की डिस्क होती थी, अगर आपने देखी हो, वो ऐसे करके एक बना होता था, उसके अंदर ऐसे बीच में सर्किट, उसके अंदर एक गोल से डिस्क होती थी जो कि ब्लैक कलर की होती थी, उसी को हम कहते थे मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, इसके अलावा वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज थी। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब कई सारे प्रोसेस को एक साथ परफॉर्म करते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, Apple 1, Apple 2, IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP 11, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन एंड द प्रेजेंट जनरेशन। ये 1980 से लेकर के आज तक चल रही है। देखिए ईयर पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो फिफ्थ जनरेशन है वो भी 5 साल पहले आई है, 10 साल पहले आई है, हम कहते हैं जो फिफ्थ जनरेशन है वो शुरुआत से चल रही है 1980 से। देखिए इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो थी ULSI। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बहुत बड़े स्केल पर इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने का मतलब एक चीज़ पे बड़ी सी चीज़ों को छोटे में ला करके मर्ज कर देना, उसी को हम कहते हैं ULSI। इसमें क्या होती है, चिप्स होती थी, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट होते थे। ठीक है, एक सिंगल चिप पे मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स, आप मेमोरी कार्ड देखते हो, मोबाइल देखते हो, ये सारे ULSI के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए मैथ में आपने अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इतना सा क्वेश्चन इतना बड़ा आंसर, और इंटीग्रेशन में 4 लाइन का क्वेश्चन है और एक वर्ड का आंसर आ रहा है 0 या 1। तो यही है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, बायोचिप्स आने लग गई हैं, मेमोरी डिवाइसेस
KIPS नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन डिवाइसेस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, रोबोट्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे आज की डेट में फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। अगर इनकी एग्जाम्पल की बात कर लीजिए टेक्नोलॉजी की, तो मेन टेक्नोलॉजी इनकी है ULSI। इसके अलावा पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कई सारे प्रोसेस को एक साथ प्रोसेस करना। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अलावा रोबोटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये हमने बात कर ली पांच जनरेशन की, एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली जनरेशन में हमारा यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हमारे यूज हुए हैं ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में हमारे यूज हुए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज फिफ्थ जनरेशन में आती हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे एकदम बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे आपको हम और भी पढ़ाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, मतलब एडवांस चलेंगे, क्विजेस भी होंगी, सब कुछ होगा। अभी जो अगली 10 क्लासेस होनी है उनमें आप पूरा का पूरा कंप्यूटर पढ़ लोगे, अभी एग्जाम के लिए, कभी भी एग्जाम के लिए आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर की। टाइप ऑफ कंप्यूटर हम बहुत सारे तरीके से टाइप कर सकते हैं, अगर उनके साइज़ के हिसाब से देखा जाए, वर्किंग प्रोफाइल के हिसाब से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, जनरेशन के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसलिए एक किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। तो पहला टाइप कहलाता है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। तो क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर्स, पहले इसको हम समझते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, आपका डेटा को स्टोर करता है फिजिकल क्वांटिटीज में, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ मेजर्स, मेजर्स का यूज करके। इट प्रोड्यूस द आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ के फॉर्म में आउटपुट करता है फिजिकल वेरिएबल जैसे वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड एक्सेट्रा। अब देखिए, जैसे गाड़ी में आपका स्पीडोमीटर होता है, तो वो भी एक टाइप का क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर। वो क्या कर रहा है, स्पीड को मेजर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा रहता था जो घूमने वाली सुई होती थी, वो हो गया आपका। वोल्टेज मीटर है, प्रेशर मीटर है, कितना टेम्परेचर है, ये सारे के सारे, गाड़ी में पेट्रोल कितना है, ये सारे के सारे एक टाइप की कंप्यूटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम कर रही हैं, परंतु ये सारे के सारे डिवाइसेस क्या हैं, एनालॉग। एनालॉग यानी जहाँ पे जीरो और वन या नंबर्स के फॉर्मेट में चीज़ें नहीं होती हैं, ग्राफ के फॉर्मेट में होता है, क्योंकि जहाँ पे एनालॉग मीटर होता है गाड़ी का घूमने वाला, ऐसे ऐसे वाला मीटर होता है, आप एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते हो कि 45 हो रही है, 46 हो रही है या 47 हो रहा है। जैसे फ्यूल मीटर में आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई 4 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर, ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, सिंपल सी बात, डिजिट आती है। डिजिट यानी 0-1 के फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक कोई भी गिनती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी देखिए, डिजिटल अगर हम डिजिटल मीटर की बात कर लें, जैसे 47, 48, 49 आपकी स्पीड एक्यूरेट बताएगी कि आपकी स्पीड क्या हो रही है या क्या स्पीड होनी चाहिए थी आपकी। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कंप्यूटर वर्किंग विद डेटा रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म, यूजली बाइनरी एंड 0 एंड 1, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म फास्टर एंड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट देन द एक्सटेंसिवली यूज फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग एंड ऑल। आज की डेट में हम जो भी देखते हैं वो सारे के सारे डिजिटल चीज़ें हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल। इंडस्ट्रीज लेवल पे यूज़ होता है, बिजनेसमैन हाइब्रिड यूज करते हैं एक तरीके से। जैसे आपकी हम बात कर लेगा डिजिटल, जो आपकी आती है ब्लड प्रेशर मशीन, तो वो एक टाइप का डिजिटल नहीं, वो बेसिकली क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब वो फिजिकल मेजर ले रही है, हमारे ब्लड प्रेशर को काउंट कर रही है और डिजिट्स में काउंट कर रही है। जैसे पारा वाली बीपी मशीन होती है और इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन, तो पारा वाली बीपी मशीन एक टाइप की एनालॉग है, उसमें अंदाजा होता है कि कितना पारा चढ़ा है, कितना उतरा है, ये आपका ब्लड प्रेशर है। और डिजिटल वाले में क्या होता है, ये हाइब्रिड होती है, ये एक्यूरेट बताती है कि आपकी बीपी इतनी है, पल्स रेट इतनी है। थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक हो गया जैसे, वो भी एक टाइप का क्या है, हाइब्रिड हो गया। ठीक, तो ये तीन टाइप की होती हैं, जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज आ जाए, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, वहाँ पे एनालॉग, जहाँ पे डिजिट्स आ जाए इलेक्ट्रॉनिकली वहाँ पे डिजिटल, जहाँ कॉम्बिनेशन आ जाए वहाँ पे हो जाता है हाइब्रिड। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशंस, तो देखिए कुछ जो साइज होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, स्मॉल, इनएक्सपेंसिव, सस्ते, पर्सनल यूज़ के लिए हम जो यूज़ करते हैं, गेम्स के लिए, सर्फिंग के लिए, जो नॉर्मली आपके घर पे होता है
उनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अगर बात कर लें मिनी कंप्यूटर की, तो मिनी कंप्यूटर पोजेस द मोस्ट ऑफ द फीचर्स लार्ज कंप्यूटर, मतलब हमारे जो स्मॉलर इन साइज, जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं तरीके के, तो लैपटॉप इस टाइप की जो स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं, इस टाइप की डिवाइसेस हमारे आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर के सेगमेंट में। एंड घर पे जो हमारे पुराने पीसी आते हैं वो सारे आते हैं माइक्रो। माइक्रो बड़ा होता है, मिनी छोटा होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम का मतलब फ्रेम में जो सबसे मेन होगा। फ्रेम में अगर मेन, अगर अकेला इंसान तो अकेला है वो मेन नहीं है, बट अगर ग्रुप की फोटो लगी हो उसमें जो एक प्रिंसिपल खड़ा है, जैसे स्कूल की पिक होती है जिसमें क्लास टीचर हो गया, प्रिंसिपल हो गई, ये मेन फ्रेम होते थे ना, ऐसे ये क्या होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि बड़े इन साइज में होते हैं, बहुत बड़े साइज के होते हैं, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, हजारों यूजर्स को एक साथ मैनेज कर लेते हैं ये, ठीक है। हजारों यूजर्स को यानी हजारों कंप्यूटर्स को, तो बेसिकली इन शॉर्ट कहा जाए तो मेन फ्रेम आपके होते हैं सर्वर। मेन फ्रेम क्या होते हैं आपके? सर्वर, जो कि बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको हम कहते हैं मेन फ्रेम। जैसे आप एटीएम में जाओगे तो आपको दिखेगा एक पीछे कंप्यूटर है, पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो एक कंप्यूटर पीछे एक बॉक्स के अंदर, कैबिनेट के अंदर रखा रहता है। बैंक्स में जाएंगे तो एक सर्वर रूम होता है, तो वहाँ सर्वर रूम में जितने भी कंप्यूटर हो, जो भी कंप्यूटर होता है उससे हम कहते हैं मेन फ्रेम। बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ हाई स्पीड के संग चलने वाला कंप्यूटर होता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में इज़ द मोस्ट पावरफुल, एक्सपेंसिव एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, यानी दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। भारत में भी गिनती के छोटे बहुत हैं, चार पांच बने हैं अभी तक। अभी जो सबसे लेटेस्ट बना है वो आपका मेहर है, उससे ऊपर जो सबसे फास्ट आया है वो आपका है प्रत्यूष, ठीक है। जो सबसे फास्ट है वो आपका है पेट्यूस, एंड जो वेदर फोरकास्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका नाम है मेहर, ठीक है। यहाँ बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड होते हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं ना कि स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो हर्ट्स में काउंट की जाती है। कंप्यूटर की स्पीड किस में काउंट की जाती है? हर्ट्स में, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हर्ट्स में काउंट की जाती है, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड काउंट की जाती है मिलियंस एंड ब्रिलियंस गीगाहर्ट्स, ठीक है। चलिए अब बात कर लेंगे सुपर कंप्यूटर की, तो कुछ क्वेश्चन या कुछ वन वर्ड आपके आंसर्स हैं। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम था क्रे CDC 6600। हम इन शॉर्ट केवल याद रखना चाहें तो क्रे भी याद कर सकते हैं। क्रे इज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था भाई? कमेट समिटी को ऑन करता है, वो करता है USA, ठीक। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया परम 8000। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? परम 8000 पहला है ये, बट अगर फास्टेस्ट की बात की जाए तो वो कौन सा है? प्रत्यूष। पहला परम, फास्टेस्ट प्रत्यूष। वेदर के लिए कौन सा यूज होता है भाई? वेदर के लिए यूज किया जाता है मेहर, ठीक है। वेदर के लिए यूज किया जाता है मेहर, ठीक। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ यूज, किस टाइप से अगर यूज किया जा रहा है, तो उस टाइप से हमने कहा तो आपको कंप्यूटर्स को बहुत सारे तरीकों से बाइफरकेट किया जा सकता है। जैसे अगर उनके बेसिक यूज के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जा रहा था तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। उनके साइज के हिसाब से देखा जा रहा था तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। उनके यूज के हिसाब से देखा जा रहा है तो पाम टॉप। पाम टॉप का मतलब ऐसा मोबाइल जो हाथ में आ जाए, वो आपका पाम टॉप। फिर आता है लैपटॉप, जो नॉर्मली हम लैब पे रख के काम करते हैं, जो हमारे पास नॉर्मली रहता है वो होता है लैपटॉप। पर्सनल कंप्यूटर, जो घर के हमारे पीसी होते हैं वो हमारे कहलाते हैं पर्सनल कंप्यूटर। वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन क्या होते हैं? जहाँ पे एक बैंक में हमारे जो बहुत सारे कंप्यूटर छोटे छोटे लगा दिए जाते हैं, एक सर्वर के साथ 10 कंप्यूटर अटैच कर दिए जाते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, जहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं। और यही जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है क्लाइंट सर्वर, क्योंकि ये हो गया सर्वर और ये हो गए क्लाइंट, तो ये कहलाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब आता है टाइम क्विज का, तो चलिए क्विज ऑर्गेनाइज करते हैं जल्दी से। 5 मिनट के अंदर कमेंट करिएगा और देखिएगा कि क्या आपका आंसर, कितनी जल्दी आप आंसर दे सकते हो। टेक्नोलॉजी यूज बाय द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जल्दी से कमेंट करिए कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कौन सा है।
ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी थर्ड जनरेशन में? आपके पास मैं देता हूँ 15 सेकंड का टाइम, ठीक है, 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, VLSI, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI या नन ऑफ दीज। देखिए कौन, कितने लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बार रिवाइज करिए, देखिए रिवाइज करके क्या करना है हमें, पहली जनरेशन की टेक्नोलॉजी क्या है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक हमने लिख लिया भाई, वैक्यूम ट्यूब क्या थी, फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी। सेकेंड जनरेशन में हमारी आई थे ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में हमारे पास आए थे इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आए थे ULSI और फिफ्थ में आए थे हमारे पास VLSI। तो आंसर, राइट आंसर इज द इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए नेक्स्ट, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए राइट आंसर था आपका, ठीक है, अभी ठीक, अब बताइए जल्दी से, क्रे है, प्रत्यूष है, परम है, मेहर है या नन ऑफ दीज? कमेंट करिए, क्रे, प्रत्यूष, परम, मेहर, नन ऑफ दीज। भारत का पूछा गया है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 5, 4, 3, 2 आंसर आया, यस, ठीक है, देखिए आंसर क्या कहता है आपका, देखिए क्रे ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, मिहिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होने वाला सुपर कंप्यूटर है, और प्रत्यूष अभी लेटेस्ट बना नया भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो आंसर इज प्रत्यूष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट फोल्डर रिटेन कॉपीज ऑफ मैसेज डेट यू हैव सेंड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड, डेट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। यानी एक फोल्डर ऐसा होता है ईमेल के टाइम पे जो कि आपके उन मैसेजेस की कॉपी को रखता है जो अभी आपने शुरू तो किए हैं परंतु अभी रेडी नहीं किए हैं, सेंड नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो किस में होते हैं? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, ड्राफ्ट में, सेंड आइटम में, एड्रेस बुक। कुछ कॉमन से क्वेश्चन उठा लिए मैंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ, जल्दी से कमेंट करिए कौन कौन से उन मैसेजेस फोल्डर को क्या करते हैं जहाँ पे डेटा को रखा जाता है। तो देखिए इनबॉक्स में आते हैं आपके आने वाले मैसेजेस, आउटबॉक्स में आते हैं और सेंड में, देखिए आउटबॉक्स और सेंड में डिफरेंस क्या है, सेंड में वो मैसेज जो चले गए, आउटबॉक्स में वो जो जा रहे हैं, ड्राफ्ट में वो जो बना के तो रखे हैं पर अभी भेजे नहीं है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड, एक समय में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? ठीक है, एक टाइम में एक से ज़्यादा एबिलिटी चलाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग, नन ऑफ दीज। मोर देन वन एप्लीकेशन, एक बार में एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलाने के लिए ये जो डिवाइस होती है या जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कंटेंट ओरिएंटेड काम करना, मल्टी यूज़र यानी एक साथ एक से ज़्यादा यूज़र को अलाउ कर देना होता है, टाइम शेयरिंग यानी एक साथ कई सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम शेयरिंग। ठीक, एक एक करके टाइम दिया जा रहा होता है, मल्टीटास्किंग में एक साथ सारे काम किए जा रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, नॉन न्यूमेरिक डेटा कौन सा है भाई? न्यूमेरिक यानी नंबर्स, देखिए एग्जाम में स्कोर आपका हो गया 54%, 64% नंबर है, बैंक में बैलेंस आपका हो गया नंबर्स है, एम्प्लॉय का एड्रेस, देखिए एड्रेस क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि B5, ठीक है, समर विहार कॉलोनी, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B आ गया आपका अल्फाबेट और 5 आ गया नंबर, नॉन न्यूमेरिक में आपका आ जाता है आपका एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक, एक सेकेंड, नॉन न्यूमेरिक है ना, सॉरी नॉन न्यूमेरिक B5, इसमें भी तो 5 आ रहा है, यानी आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि नन ऑफ दिस, जैसे एग्जांपल में आपका नाम, अगर सपोज मैं अपना नाम लिख दूं, ठीक है, तो मेरे नाम में या किसी के नाम में कहीं से भी कोई भी नंबर नहीं आता है, तो राइट आंसर इज नॉट डन अल्फा न्यूमेरिक अल्फा एड्रेस बट की आपका है नन ऑफ दिस। ठीक, चलिए, अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू मदरबोर्ड इज कॉल्ड, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड है उसे क्या कहते हैं?
कोई भी ऐसी डिवाइस जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है उसे क्या कहते हैं। एक्सटर्नल डिवाइस जो बाहर से कनेक्टेड होती है, एग्जंक्ट डिवाइस जो कि एड ऑन की जाती है। आंसर, राइट आंसर इज द पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, राइट आंसर इज द पेरिफेरल डिवाइसेस। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि मदरबोर्ड से अटैच हो उसे हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। हार्ड कॉपी ऑफ अ फाइल क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर्स रेफर्स टू डेटा। कंप्यूटर हार्ड कॉपी ऑफ अ फाइल क्रिएटेड ऑन कंप्यूटर रेफर्स टू डेटा। हार्ड कॉपी का मतलब क्या है, जिसे हम टच कर सकें। तो क्या जो फ्लॉपी में डेटा है उसको टच कर सकते हैं? नहीं। बैक्ड अप ऑन द टेप ड्राइव? नहीं। सेंड एन ईमेल? नहीं। प्रिंटेड ऑन द प्रिंटर? ठीक है, जो प्रिंटर से फाइल हमने प्रिंट कर ली केवल उसे टच कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव सुप कंप्यूटर डिवाइस। कौन से कंप्यूटर हैं जो कि प्रोसेस करते हैं साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, हजारों लाखों यूजर्स को एक साथ मैनेज करते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर को भी मैनेज करते हैं, उस वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? वो हमारे होते हैं, हमने आपको ना मैनेज करने वाले कंप्यूटर को कहा जाता है मेन फ्रेम्स कंप्यूटर, जो कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेस ऑफ यूजर्स को मैनेज करते हैं। डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे डेट और टाइम कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? तो राइट आंसर इज द टास्क बार। देखिए, माय कंप्यूटर में आपको डेट एंड टाइम नहीं मिलता, रिसाइकल बिन में नहीं मिलता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। तो राइट आंसर जो कंप्यूटर में नीचे वाली बार होती है उसे कहा जाता है टास्क बार। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर जनरल पर्पज। जनरल पर्पज से यूज किया जाने वाला पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी थी? ईवीएक, इनियक, एडवैक, यूनिवैक, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर जनरल पर्पस। कमेंट करना है आपको जल्दी से। तो राइट आंसर है इसका इनियक। ठीक है, क्या है? इनियक। नेक्स्ट, एंड हियर इज द टॉपिक्स, एंड ये था आपका इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर की क्लासेस रेगुलर होंगी सो मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। और सब्सक्राइब तो करिए और सबको कराइए, ठीक है। यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन द फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर विद द सेम नेम, हिमांशु एजुकेशंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।